हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ट्रैवल आउट। आज मैं आपको ले आया हूँ जयपुर की गलियों में। इंट्रो बनाना भूल गया था, जैसे मुझे पार्क में बैठ के बनाना पड़ रहा है। ये मैं जयपुर में आते जो पार्क है, पार्क नहीं वैसे, जो एक साइड में रोड दिख रही है, तो ये रोड का सिर्फ एक सर्कल है जिसके अंदर एक मिनी पार्क बना रखा है और जो काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है। बताता हूँ आगे का प्लान क्या है मेरा। आज तो मैं आया हूँ शाम को, तो शाम ज़्यादा होगी तो इस वजह से अभी कहीं निकलने वाला है नहीं, क्योंकि शाम होते होते सभी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो सोचा तब तक आपको इस ब्लॉग के बारे में कुछ बता दिया जाए। दिल्ली टू जयपुर सबसे सस्ता है आपके लिए, आप पर कभी भी आ सकते हो आराम से। आप सुबह निकलो अपने घर से धौला कुआँ के लिए, धौला कुआँ, सरायकालेखा, आनंद विहार, इन जगहों से बसें आराम से मिल जाएंगी। मैंने बस पकड़ी थी धौला कुआँ से बस पकड़ी, वहाँ से मेरे को 250 के अप्रोक्स टिकट लगा सिर्फ दिल्ली से। तो मैंने बस पकड़ लिया, ब्रॉडवेज की बस पकड़ के सीधे जयपुर। और रुकने के लिए एक बेहतर आपको सजेशन देता हूँ, अगर जब भी आप होटल वगैरह स्टे कर लो तो एक सिंधी कैंप पड़ेगा मेट्रो स्टेशन वो, और एक जयपुर का रेलवे स्टेशन, इनके बीच में आप हमेशा कभी भी अपना होटल बुकिंग करना। इस बेनिफिट ये है कि सभी चीज़ें जो हैं, जैसे हवा महल हो गया, जल महल हो गया, नागर फॉल कहते हैं, नागरगढ़ पैलेस हो गया, ये सभी चीज़ें जो है इन्हीं के आसपास मिल जाएंगी। तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप पैदल चल सकते हो 2-3 किलोमीटर तो आप पैदल भी ट्रैवलिंग कर सकते हो, नहीं तो ई रिक्शा ऑटो वगैरह मिल जाएंगे जो आपके बजट में भी फिट आ जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा पे करके ना आना पड़े। मैं सिंधी कैंप उतरा, मुझे आना था, मैंने बुक कर लिया था रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ से 10 रुपये लगे सिर्फ। तो एक ये बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर आप आस पास कोई भी बुकिंग करते हो तो। तो आज तो कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा यहाँ की गलियों में घूमा हूँ और यहाँ पे मिले हैं सिर्फ होटल्स वगैरह थे और कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं अभी। तो मेन जो है वो कल निकलूँगा और 2-3 जगहों को एक्सप्लोर करूँगा, जैसे जल महल वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को। तो वीडियो में बने रहिए और जैसी जानकारी और कुछ मिलती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करके रखो, रेगुलर अपडेट्स आती रहेंगी, सभी वीडियोस आती रहेंगी। पहले भारत दर्शन होगा, फिर विदेश दर्शन होगा। पहले भी भारत के कुछ सिटीज़ घूम लें हम, उसके बाद सीधे इंटरनेशनल टूर मारेंगे। इंटरनेशनल टूर तक बने रहना तो सब्सक्राइब करके रखो, ताकि अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे। और एक और चीज़, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो उस चीज़ का मैं अपडेट डालता रहता हूँ अपने इंस्टा पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके मुझे बता भी सकते हो कि आप अपनी सिटी बुलाना चाहते हो, तो मैं वहाँ पे भी आ सकता हूँ। तो वहाँ पे भी आएंगे और उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। जयपुर में भी सुभाष नगर सुभाष नगर कहाँ तक फैला हुआ है, सुभाष नगर, तिलक नगर, ये जयपुर में दिख गए हैं जो दिल्ली में मेन इलाके माने जाते हैं। बाकी देख सकते हो कि बीच में काफ़ी बड़ा सा पार्क है, और अभी जाएंगे इस पार्क के अंदर, देखते हैं कोई बैठा है नहीं बैठा। अभी तो नॉर्मली सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं रोड पे, कल एक्सप्लोर करेंगे फेमस प्लेसेस को। तो फाइनली अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने रूम बुक करना था मुझे, और मैंने रूममेट वाला बुक कर दिया जिसमें एक जैसा ये हॉल है। तो इस हॉल में 10 बेड्स दे रखे, उनमें से मेरा एक बेड है, वैसे कम्फर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देख सकते हो इस छोटे से बैग में, ये ऐसे बड़ा दिख रहा है पर 5 लीटर का बैग है, उसमें सारा सामान लेके आया हूँ। और बाकी यहाँ पे अगर कोई आ जाता तो ये रहा सभी के साथ खेलने उलने के लिए। जेंट्स वगैरह ठीक है, एसी रूम है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे, बाकी ठंडी में क्या एसी की ज़रूरत। और स्पेस भी काफ़ी है, इसमें आराम से लेट सकता हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा अगर अपग्रेड हो जाए तो मैं रूम लेने की सोचूँगा। और जल्दी से निकलते हैं बाहर और देखते हैं कि आसपास कोई ऐसी चीज़ है जिसको अभी एक्सप्लोर किया जा सकता है, फिर कल देखते हैं और जो फेमस प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी आ गया हूँ मैं होटल के रूफ टॉप पर, वो देख सकते हो मेट्रो, यहाँ से मेट्रो से सीधा आ सकते हो आप यहाँ पर। और ये है ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा, शाम को थोड़ी चहल पहल होगी, अभी तो यहाँ पर मुझे कोई दिखा नहीं, बाकी आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रूफ टॉप एक फ़ायदा जगह कि आपको एक और व्यू पॉइंट मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ से सभी चीज़ें दे रखी हैं, आके आराम से आप रिलैक्स कर सकते हो और खाने पीने का ऑर्डर दे सकते हो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा था हमारा होटल का व्यू, ये रूफ टॉप है और इसके ऊपर भी है सर ये रूफ टॉप का, बट नो नीड, इतना ही काफ़ी है। तो होटल जो है काफ़ी शानदार है, बजट का अंदर है। जो ये होटल मुझे पड़ा है, ये मुझे पड़ा है 330-340 रुपीज़ पड़ा है पर नाइट का। तो मैं रुक रहा हूँ 2 नाइट्स एंड 3 डेज, तो मेरे को पड़ गया है GST वगैरह मिला के 800 समथिंग पड़ा है मुझे। तो ठीक है, बजट के अंदर है तो मैं आराम से रुक सकता हूँ, क्योंकि सोलो ट्रैवलर हूँ तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ऐसे ही वीडियोज़ में बने रहने के लिए आप
सब्सक्राइब करके रखें और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।